हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2024 किछि इम्पोर्टेंट ईवीएस क्वेश्चन उपरे एनवायरमेंटल स्टडीज बा ईवीएस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ये होची ईवीएस मॉक टेस्ट नंबर 2, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियोटी हमर ओएसटीटी बीएड सीटेट एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका आरआई एआरए अंगनवाड़ी सुपरवाइज समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो, काहेकि ना ईवीएस हमर साइंस रहउची, सोशल साइंस रहउची, आउ हमर ईवीएस रोज परिवेश विज्ञान मत रोज से इम्पोर्टेंट अटे। तो देखिबा प्रथम क्वेश्चन सहित, फास्ट क्वेश्चन रही आमर पेडागोजी क्वेश्चन रही ईवीएस रो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हेयर ईवीएस क्लास। यहाँ आमर ईवीएस रो पेडागोजी क्वेश्चन, से कौन ईवीएस क्लास रे जड़े ईवीएस टीचर पर कौटा अधिक चैलेंजिंग अटे, अधिक चैलेंजिंग कौटा अटे से पचारि। कौन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्कूल, ना बिग स्कूल इन मेट्रो सिटीज, ना एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ना जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखु ईवीएस क्लास ईवीएस टीचर पर अधिक चैलेंजिंग हम कौटा, ना एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इनक्लूसिव एजुकेशन, से विभिन्न प्रकार ग्रुप रिलाने आसवे, तो से जो विविधता रही जो डाइवर्सिटी रही को एड्रेसिंग करवा आम फाइंड आउट करवा, से मोस्ट चैलेंजिंग ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट और एम ऑफ इवैल्यूएशन। से कौन इवैल्यूएशन रो मुख्य लक्ष्य कौन, मेंटेनेंस डिसिप्लिन मेंटेन करिबा, कंडक्ट एग्जामिनेशन परीक्षा आमर कंडक्ट करिबा, ना क्वेश्चन पेपर सेटिंग सेटिंग करिबा बा बनेबा, ना लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। तो देखंतु इवैल्यूएशन रो मेन एम बा मुख्य लक्ष्य बा मेन ऑब्जेक्ट होची लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। लर्नर परफॉर्मेंस केमती अच्छी से जानवे इवैल्यूएशन कले आम जानपर, लर्नर परफॉर्मेंस सी के कौन अचीवमेंट कर परफॉर्मेंस जापर, ता सहित तार इम्प्रूवमेंट आम करी से तार भल परफॉर्मेंस नाही, भल तार परफॉर्मेंस नाही, तो ताको आम कौन प्रॉब्लम अच्छे देखिए रेमेडियल टीचिंग देखी तार इम्प्रूवमेंट आम करार एजुकेशन इम्प्रूवमेंट आम आनी पार। तो इवैल्यूएशन मुख्य लक्ष्य होची परफॉर्मेंस आउ इम्प्रूवमेंट को आम जानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ज्योग्राफी, ये मत आम पेडागोजी क्वेश्चन, ये हूँ थर्ड क्वेश्चन आप ग्रुप वर्क्स आर प्रमोटेड फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस, द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन्स आर। से कहे ग्रुप वर्क प्रमोट कर ग्रुप वर्क आर प्रमोटेड फॉर लर्निंग ईवीएस द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, कारण मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन कौन से पचार। देखो ग्रुप वर्क कही ऑप्शन दे प्रमोटेड पीयर लर्निंग, माने पीर लर्निंग को प्रमोट करछंती, माने पीर माने कोन सांगसाथी मिसिक ग्रुप है पढ़ुछंती, दे इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, माने सेठी पिला माने करो मधेरे सोशल इंटरेक्शन टा इम्प्रूवमेंट होउछि, दे प्रमोट कोलाबोरेशन अमंग चिल्ड्रन, पिला माने भितरे कोलाबोरेशन होउछि, माने सब पिला उभय उभय भितर परस्पर भितर कौन कौन सहयोग करा कौटा आसूचे क्या कौटा आसूँ, तो से कोपरेट कर सहयोग कर दे आर ओनली इफेक्टिव स्ट्राटेजी फॉर लर्निंग ईवीएस, केवल से मैंने इफेक्टिव स्ट्राटेजी उपर फोकस कर। तो कौटा हम देखु ये ग्रुप वर्क कही ग्रुप वर्क मैंने कौन से गोटे ग्रुप है पढ़े पाठ, तो ये कौन पीर लर्निंग प्रमोट कर ग्रुप मैंने कौन पे गोटे क्लास सांगसाथी पीर मान साथी सांगसाथी गोटे क्लासमेट सहपाठी, तो से मिसिक ग्रुप है पाठ पढ़े, तो ये पीर लर्निंग प्रमोट होटा ठीक अच्छे, तापर से पीर लर्निंग प्रमोट है, देखते से दे इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन एम चिल्ड्रन, जदि ग्रुप है गोटे सांगसाथी मिसिक पढ़ुंट से परस्पर मध्य इंटराक्शन रोच परस्पर मध्य इंटराक्शन रोच यहाँ भी इम्प्रूवमेंट होटा भी ठीक अच्छे, आउ से मध्य कोलाबोरेसन भी होती कहीं ग्रुप है पाठ पढ़ुन से क्या कौटा आसूँ क्या कौटा आसूँ, तो से कोलाबोरेसन सहयोग कर भाई मत ये आसूँ बुझे दे से मैंने कोलाबोरेसन भी से आम प्रमोट होनिटा जाक आम प्रमोट होतु से कही कौन ना आम दे आर ओनली इफेक्टिव स्ट्राटेजी फॉर लर्निंग ईवीएस, यहाँ आम के हेनी। तो करेक्ट आंसर जो कौन ना ए बी सी,
ए बी सी ऑप्शन नंबर ए होउछ करेक्ट आंसर ए बी सी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होउछ हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एनसीएफ 2005 व्यूज ईवीएस इन क्लास 3 और 5 एज ए सब्जेक्ट व्हिच इंटीग्रेट्स द कांसेप्ट एंड इशू ऑफ से कहि आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्यूज करुच्ची मैं तार व्यू अनुजाई ईवीएस आमर जो रही परिवेश विज्ञान रही क्लास तृतीय पंचम भितर आम रोचे तो सही सब्जेक्ट गुड़ाक आम कौन कौन इंटेग्रेट कौन सब्जेक्ट से भितर आसूँ मुझे अलरेडी आपको कही सारी से कौन रोचे ना साइंस रोचे आमर जनरल साइंस रोचे सोशल साइंस रोचे आउ एनवायरमेंटल एजुकेशन रोचे तो ये तीन टा मिसिकी आमर कौन ना ईवीएस हो तो यहाँ तृतीय पंचम सेट आम पढ़ा जाए ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन आसेसमेंट सेल्फ आसेसमेंट इज से कहे आसेसमेंट रे सेल्फ आसेसमेंट मान कौन से पचार आसेसमेंट रे सेल्फ आसेसमेंटा कौन आसेसमेंट फॉर लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग ना आसेसमेंट एज लर्निंग ना इवैल्यूएशन थ्रू लर्निंग इवैल्यूएशन थ्रू लर्निंग फॉर्मेटिव आसेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव आमर एसेसमेंट एज लर्निंग हे एसेसमेंट एज लर्निंग ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। यह सब हूँ ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज बीन डिजाइंड से कहे आमर ईवीएस करिकुलम डिजाइन करा जाए क्या नहींकि टॉपिक को लेकिन ना सिलेबस को लेकिन ना थीम को ना टॉपिक एंड सिलेबस बोथ तो क्या नहींकि अन् थीम उपर पर्यवेक्षित करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज बीन डिजाइंड ऑन थीम्स थीम उपर पर्यवेक्षित ऑप्शन नंबर सी होची सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस करिकुलम इज से कहे ईवीएस करिकुलम रे फैमिली ऑफ फ्रेंड्स कौन ईवीएस करिकुलम रे फैमिली एंड फ्रेंड्स हूँ कौन ना गोटा गोटे थीम ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल से कहे प्राइमरी लेवल रे आमर ईवीएस सिलेबस रो थीम कौन बोली से पचार प्राइमरी लेवल रे ईवीएस सिलेबस रो थीम होची कौन ना फैमिली एंड फ्रेंड्स ए क्वेश्चन टिके मॉडिफाई कर पचार सेम क्वेश्चन खाने क्वेश्चन टिके मॉडिफाई कर पचार फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुइसाइड बैग्स ऑफ ए सेल बर्तमान आम देखा ईवीएस क्वेश्चन देखा से गुड़ा थी आम पेड़ागोजी थी बर्तमान कंटेंट उपर आम देखा ईवीएस कंटेंट देखा से कहे या भितर कौटा गोटे आमर सेल ऑर्गेनेल जे कि सुइसाइड बैग ऑफ ए सेल नाम परिचित सुइसाइड बैग ऑफ ए सेल नाम किए परिचित आम चार ऑप्शन दे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छे करेक्ट आंसर होची लिसोसोम्स ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लिसोसोम्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हेमोग्लोबिन इन ब्लड से कहे ब्लड रे हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन पाई कोटा अति आवश्यक अटे एसेंशियल माने अति आवश्यक अटे आमर ब्लड रे हेमोग्लोबिन आमर फॉर्मेशन पाई बा बनिबा पाई कोटा आवश्यक अटे अति आवश्यक अटे कोटा फैट्स आयरन कैल्शियम ना प्रोटीन कौटा आमर आयरन निहती आवश्यक आयरन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर से कहे प्रदूषित जल द्वारा आमर कौ कौ बीमारी गुड़ाक हो चारा ग्रुप दे ग्रुपटा आमर सठिक उत्तर बा प्रदूषित जल मध्यम आमर होता है तो देखो चार ऑप्शन देर कलेरा एक्यूट डायरिया टाइफॉइड पोलियो कलेरा टाइफॉइड एंटेरिटिस और ट्यूबरकुलोसिस टाइफॉइड एंटेरिटिस और ट्यूबरकुलोसिस कलेरा एक्यूट डायरिया टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस तो कौन हम करेक्ट आंसर जी आपर कलेरा एक्यूट डायरिया टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस ये चारिटा आमर हम कलेरा डायरिया टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस जहाँ को टीबी कहते तो ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ से कहे गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय अच्छी से मेल्टिंग स्टार्ट हो कारण कौन क्या जो आम गंगोत्री ग्लेशियर आम मेल्टिंग स्टार्ट हो मोर रेन अधिक वर्षा लेस स्नो कम स्नो पड़ू ना ग्लोबल वार्मिंग ना नाम तो मेन रीजन हूँ ग्लोबल वार्मिंग जो आम हिमालय जो गंगोत्री ग्लेशियर रही से मेल्टिंग आमर स्टार्ट ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफरेस्टेशन लीड्स
टू एन इनक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इन द एयर डैश से कहे डिफॉरेस्टेशन माने आमर जो आम बन आम जंगल लगाऊँ तो डिफॉरेस्टेशन माने कौन जंगल गच्छलता सब काटि दौंट गच्छलता काटिदे द्वारा आमर कौ गैसटा आमर अधिक हो पचारि कौ गैसटा आमर बढ़ी जो देखु आमर गच्छ द्वारा कौन हो से अंगारकाम्ल गैस आम कार्बन डाइऑक्साइड को सी नौ आम अम्लजान दौर कि आम जो गच्छ गुड़ा काटिदे डिफॉरेस्टेशन करदे आम जी बन जंगल काटिदे सफा करदे कौन हम आमर से कार्बन डाइऑक्साइड को किए नब ग तो नौ गच्छ मरीगला कौन हम आम कार्बन डाइऑक्साइडटा इनक्रीज हो सीओ टू आमर जो रही सीओ टूटा इनक्रीज हो डिफॉरेस्टेशन कले नेक्स्ट क्वेश्चन रही दैट डिजीज कॉज ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज से कौन कंटेमिनेशन वाटर द्वारा कौ डिजीज होटा आमर कलेरा ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूएल प्रोड्यूसेस से कौन इनकम्प्लीट बर्निंग माने अधा जली थी से कौ गैसटा प्रड्यूस हो गए जिनस अधा जली थी से कौ गैसटा आस कौ गैसटा आसमर मोर आस करेक्ट आंसर हो कार्बन मोनोक्साइड ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया एज पर द इंडियन गवर्नमेंट से कौन भारतीय सरकार द्वारा जहाँ कि आम अच्छी तो एयर पोल्यूशन इंडिया अधिक मात्रा हो जो डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर वार्निंग ट्रांसपोर्ट ना इंडस्ट्री सब अधिक डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैस या भितर कौटा गोटे ग्रीन हाउस गैस अटे बोली से पचारि मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बोथ एंड बी देखु आमर ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन आर्गन नाइट्रोजन ये तीन टा हूँ आमर नॉन ग्रीन हाउस गैस तो आमर यहाँ तो हेनी ऑक्सीजन तो हेनी कहीं ये ग्रीन हाउस गैस नुह ये नॉन ग्रीन हाउस गैस बाकी रहा कौन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एगुड़ा आप कौन ना युवा हूँ आप ग्रीन हाउस गैस तो ऑप्शन नंबर डी हो कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेस ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कजेस मीनामाता डिजीज से कहे मीनामाता डिजीज कारण कौन क्या जुग होमर क्या जुग हो मर्क्यूरी जुग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी से कहे विटामिन सी अभाव हेल्ले आमको कौ रोगटा हुए कौ रोग हुए आमर कौन हुए ना विटामिन सी अभाव स्कर्वी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर स्कर्वी आ पेलेग्रा विटामिन बी रिकेट्स डी बेरी बेरी बी समस्त जानते तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एग चीज एंड मिल्क आर द रिच सोर्स ऑफ डैश से कहते एग चीज आउ मिल्क या एम कौन अधिक मात्रा कौटा मिलूँ कौ विटामिन मिलूँ सबुठ अधिक विटामिन ए आ विटामिन डी मिलूँ ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर विटामिन ए एंड विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन से कहे मानवर जो मस्तिष्क रही तार सब बड़ पार्टर ना कौन ह्यूमन ब्रेन रब बड़ पार्ट बिगेस्ट पार्टर ना कौन बिगेस्ट पार्टर ना हूँ कौन ना सेरेब्रम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस से कहे ईवीएस सिलेबस ईवीएस सिलेबस आमर जो थीम अच्छी थीम भितर सब थीम कौटा थीम तो आम जानते फैमिली एंड फ्रेंड्स हूँ थीम एगुटा थीम तो सब थीम किए सब थीम हूँ कौन ना सब थीम हूँ एनिमल्स ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स करेक्ट पेयर या भितर कौ जोड़ी आमर ठीक अच्छे से पचारि आसाम बिहू ओडिशा भरतनाट्यम तमिलनाडु लावणी कर्णाटक कथक कौटा आम ठीक अच्छे आसाम रे बिहू डांस अच्छी यहाँ ठीक अच्छे आमर करेक्ट होचे एटा आ ओडिशा रे भरतनाट्यम भरतनाट्यम होचे तमिलनाडु ओडिशा रे होचे आमर कौन ना ओडिसी
ओडिसी डांस अच्छी। तमिलनाडु हूँ भारतनाट्यम, लावणी हूँ महाराष्ट्र, तमिलनाडु हूँ भारतनाट्यम, कथक हूँ आमर केरल कर्णाटक नुह, ये तीन टाक आम भूल अच्छी। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। आसाम रो डांस हूँ बिहू, यहाँ आम करेक्ट अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, द नेम्स ऑफ दिज टू मेटल आर। से कौन ब्रोंजा आम दुटा मेटाल मिसिकी से दुटा मेटाल ना कौन पचार कौन कौन आम कॉपर आउ टीन ये दुटा मिसिकी आम ब्रोंज। ऑप्शन नंबर थ्री हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल। यहाँ आम ईवीएस पेड़ाकोजी से कहे या भितर कौटा रिप्रेजेंट कर गोटे आम प्राइमरी लेवल ईवीएस टीचिंग गोटे ऑब्जेक्टिव हिसाब से। चार ऑप्शन देखिए आपको, टू इनफॉर्म द लर्नर अबाउट द बुक्स दे शुड रीड एंड एक्सपैंड देर नॉलेज, टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, टू एसेस टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ईवीएस। तो देखो ईवीएस प्राइमरी लेवल रे ईवीएस टीचिंग रो ऑब्जेक्टिव कोटा पचारी, तो करेक्ट आंसर होची टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विथ आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल्स रे आप तो नॉलेज कनेक्ट करिबा, एक्सपीरियंस हम जहाँ किसी नॉलेज पाइबा ता सहित आउटसाइड वर्ल्ड सहित मतलब आम कनेक्ट करिबा, जहाँद्वारा से आउटसाइड वर्ल्ड मतलब किसी एक्सपीरियंस पाइपर किसी नॉलेज पाइपर। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच विटामिन डज द कैरट हैव, क्यारेट बा गाजर आमर जो गाजर रे को विटामिन टा अच्छी, गाजर रे कौन अच्छी, गाजर प्रचुर मात्रा रे विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एआर। से कहते या भितर कौटा गोटे एआर रो कंपोनेंट नुहे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन। देखो आमर ऑक्सीजन गोटे आम गैस अटे, नाइट्रोजन गोटे एयर अटे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर अटे, युवा कंपोनेंट आम अच्छी, किंतु क्लोरीन टा गोटे आम एयर रो कंपोनेंट नुहे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। से कहे फाइनेंशियल इमरजेंसी आम डिक्लेयर करा जाउछि प्रेसिडेंट अंडर रे को आर्टिकल अनुजाय, फाइनेंशियल इमरजेंसी आम आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। से कहे जे कोटा परिवेश शिक्षण पद्धति नुहे बोली से पचार, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कंक्लूजन प्रिजम्पशन कोटा नुहे, कोटा नुहे। देखो ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण अटे, एनालिसिस विश्लेषण भी अटे, आउ कंक्लूजन सिद्धांतिकरण अटे, किंतु अनुमान करिबा प्रिजम्पशन एटा ठीक नुह। ऑप्शन नंबर डी, प्रिजम्पशन इज नॉट ए मेथड ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर, ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर कौन ना सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट स्टेट असेंबली कैन बी डिक्लेयर्ड। तो आमर स्टेट इमरजेंसी असेंबली कहे स्टेट इमरजेंसी आम जो स्टेट इमरजेंसी आम डिक्लेयर करा जाउछि सेटा को आर्टिकल अंडर आसुछि। आम तीन टा इमरजेंसी अच्छी, स्टेट इमरजेंसी अच्छी, आउ आप मानकर रही फाइनेंशियल इमरजेंसी रही, आम रही नेशनल इमरजेंसी रही। कौ इमरजेंसी पचार स्टेट इमरजेंसी आसे 356 रे आसुछि, 356। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच आर एनर्जी यील्डिंग फूड, व्हिच आर एनर्जी यील्डिंग फूड, कौटा गोटे एनर्जी यील्डिंग फूड बोली से पचार कौटा आमर करेक्ट आंसर जीव। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ए दुटा हूँ एनर्जी यील्डिंग फूड। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इज नॉट ए स्टेप इन लेसन प्लानिंग। से कहे लेसन प्लानिंग कौटा गोटे स्टेप नुहे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन ना प्रमोशन। देखो लेसन प्लानिंग स्टेप रे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छी, इवैल्यूएशन अच्छी, किंतु प्रमोशन सेमती किसी स्टेप नुहे, लेसन प्लानिंग स्टेप प्रमोशन सेमती किसी नुहे। ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज अरेस्टेड फॉर हिज इनवॉल्वमेंट इन कनिका एजिटेशन। कनिका एजिटेशन रे कहार इनवॉल्व थिबा जोगु तांको अरेस्ट करा जाइतिला, कहाकू आमर
किए ना गोपबंधु दास एंड तो आम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से कुछ मुस्लिम लीग आमर जो फॉर्मेशन करा जाइतिला गठन करा जाइतिला तारो जो फॉर्मेशन सहित किए संपर्कित नुहे आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना नवाब सलीमुल्ला नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो देखु आमर मुस्लिम लीग जिते बार फॉर्मेशन है से समय रे आगा खान से रिलेटेड जड़ित थे आउ नवाब सलीमुल्ला आउ नवाब मोहसिन उल मुल्क ये तीन जन किंतु मोहम्मद अली जिन्ना 1913 / 11 से जॉइन करते मुस्लिम लीग रे से तार फॉर्मेशन पाई समय से नथिले। तो ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना इज नॉट एसोसिएटेड बा वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द डिजीज दैट मेनली डैमेज आवर लंग्स से कह भर कौटे गोटे बेमार अच्छी जे कि आमर लंग्स को डैमेज करदे क्षति घटो किए लंग्स आम क्षति घटे किए आम टीबी आमर ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप ए टीचर ऑफ क्लास फोर्थ आस्क स्टूडेंट्स पुट देयर वर्कशीट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स एंड मटेरियल कलेक्ट ड्यूरिंग ए टर्म इन ए फोल्डर दिज फोल्डर कैन बी कॉल्ड से कहे गोटे क्लास गोटे टीचर चतुर्थ क्लास रे स्टूडेंट मान को से वर्कशीट पुट देयर वर्कशीट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एंड मटेरियल कलेक्ट ड्यूरिंग ए टर्म ऑफ फोल्डर। तो से फोल्डर कौन कहुए से फोल्डर कौन कहुए एनेक्डोटल रेकर्ड्स भी कहुए एनेक्डोटल रेकर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए फ्लाइंग बर्ड पोजेसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी ए फ्लाइंग बर्ड पोजेसेस विच टाइप ऑफ एनर्जी तो से कहे उड़ूबा पक्षीर कौ शक्ति ताकि थाए कौ शक्तिर अधिकारी तो आमर उड़ूबा पक्षी पाखे बोथ पोटेनसीआल आउ कैनेटिक एनर्जी रही है उभस्थितिज गतिज शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो आप ओडिया पेडागोजी रहिबो आप निहाती भाव देखिए मुझे नेक्स्ट वीडियो आप ओडिया पेडागोजी प्रोवाइड करी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स से कहे जे आमर स्पेसिफिक आंसर टाइप क्वेश्चन मान कौन निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न जब पचार स्टूडेंट मानक तार कौटा आम निर्णय करोटा आम जापर पिलाटार कौन कैपेबिलिटी आम जापर तार मेमोरी पावर जापर ना तार मेमोरी पावर जापर ना प्रेजेंटेशन स्टाइल जापर ना क्रिएटिविटी तार जापर ना आर्गुमेंट पावर तार आम जापर। तो देखु जदि स्पेसिफिक आंसर टाइप क्वेश्चन पचार निर्दिष्ट उत्तरमूलक क्वेश्चन तेल गोटे क्वेश्चन आम भारत प्रथम प्रधानमंत्री किए जवाहरलाल नेहरू यहाँ कौन मन रखि थे कह कथ तो यहाँ मेमोरी आमर मेमोरी मेमोरी आम चेक कर तो आमर मेमोरी लेवलटा चेक हो तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज से कहे या भितर कौटा गोटे बेस्ट कंडक्टर हीट पाई बोली से पचार हीट पाई बेस्ट कंडक्टर कौटा यहाँ आम ये कौन ना लिक्विड फर्म तो आप कन्फ्यूज हेनी आम जब लिक्विड फर्म दे न था सिल्वर आम होता तो कि लिक्विड फर्म दे आम कौन हम मर्क्यूरीटा मर्क्यूरी मर्क्यूरी हूँ आम बेस्ट कंडक्टर हीट पाई बेस्ट कंडक्टर एम भर कौटा ना मर्क्यूरी मर्क्यूरी इथर वाटर अल्कोहल ये सब लिक्विड फॉर्म अच्छी तो सबुठ बेस्ट हूँ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूनिट ऑफ वेट इज से कहे ओजन मापार एकक हूँ डैश ओजन मापार एकक क्या कह जाए ना आमर न्यूटन कहुए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट से कहे ग्रेनाइटा कौ टाइप पथर ग्रेनाइटा कौ पथर आग्नेस इग्नेस रॉक बा आग्नेय शिला इग्नेस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड जयराजगुरु टेक द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट से कहे जयराजगुरु केबे शासन नियंत्रण क्षमता निज हाथ को नहीं थिले केबे नहीं थिले से 1798 1798 मसीह रे ऑप्शन नंबर सी होउछ हमर सठिक उत्तर 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड स्वराज वाज फास्ट यूज्ड बाय दादा भाई नारोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश
एट डैश। तो से कौचे जे दादा भाई नारोजी कौ कांग्रेस सेसन रौ वर्ष वो सेसन रे स्वराज को फास्ट डिमांड करी वार्ड स्वराज वार्ड टाक फास्ट से डिमांड करते कौटी ना आमर 1906 कालकाटा सेसन रे 1906 कालकाटा सेसन रे ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन। से कौन विंटर सीजन रे आमर इंडिया रो कौ स्टेट रे सब अधिक रेनफॉल हुए अधिक रेनफॉल वृष्टिपात कौट हो ना तमिलनाडु होची। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर राइस कल्टीवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। से कौन पंजाब आउ हरियाणा स्टेट रे आमर राइस आमर जो आमर राइस आमर से कल्टीवेशन करा जाउछि तार मेजर सोर्स कौन कौन पाई ना सेठी इरिगेशन फैसिलिटी भल अच्छे केनाल एंड बोरवेल इरिगेशन फैसिलिटी भल थिबारु सेठी आमर मेन सोर्स बा मेजर सोर्स होछि इरिगेशन। ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर इरिगेशन बा जलसेचन प्रक्रिया सेठी भल अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू एक्जिस्टेंस अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। से कहछि पंचायत राज अनुष्ठान आमर अस्तित्व रे आसीथिला कौ संविधान संशोधन नियम अनुजाई के आम आक्ट आमर एमेंडमेंट आक्ट 73rd एंड 74th 73 और 74 एमेंडमेंट आक्ट अनुजाई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आम अस्तित्व आसी। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मिनरल इज एसेंशियल फॉर अब्सॉर्प्शन एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज। किए आम बैलेंस करुच्चे आयरन कैल्शियम क्लोरीन ना सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सोडियम सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। से कौन कौटा आमर नेसेसरी अत्यावश्यक अटे यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ली इन इंडिया। से कहते इंडिया रे आमर चिल्ली आमर जो कंचा मरीच कौन कंचा लंका उत्पादन रे इंडिया रे कौ स्टेटा सब नंबर वन अच्छे किए ना आंध्रप्रदेश। आंध्रप्रदेश टप्रे आम चिल्ली प्रडक्शन टप्रे अच्छी आंध्रप्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर आंध्रप्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन आम देखा लास्ट क्वेश्चन रही द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज। से कौन हिमालय नॉर्दर्न मोस्ट रेंज आमर जो उत्तर नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन कहुए कौन कहुए ना हिमाद्री बोली कहुए कौन कहुए हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर हिमाद्री। तो फ्रेंड्स ये थी आपण मैं टोटल 50 क्वेश्चन थी आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित हृदय गोटाए लिखाए निहाती गोटाए गोटाए शेयर करेंगे सांगसाथी मानक जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडर नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जमार भूल आप 10:30 सुधा आप ओडिया पेडागोजी क्लास मु प्रोवाइड करी। तो फ्रेंड्स निहत देखिए एग्जाम हेल्पफुल रो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।